लोरियां नहीं सुना करते थे बाबा, तेरे भजनों को सुन सुन कर बड़े हुए आज हम। और सुन कर तेरे परचों को सपने हम बुनते थे, सुन कर तेरे परचों को सपने हम बुनते थे। और हमको भी उबारोगे जैसे सबको उबारा है, हमको भी उबारोगे जैसे सबको उबारा है। घर में आई मुसीबत को दिया तूने सहारा है, घर पे आई मुसीबत को दिया तूने सहारा। जब इंसान किसी मुकाम पर पहुंचता है, भैया जरा सुनना है ध्यान से, जब किसी इंसान मुकाम पर पहुंचता है सब उसको जाते हुए बड़ी आसानी से देख लेते हैं कि अरे वाह ये तो बड़ा आदमी बन गया, ये तो मंजिल मिल गई इसको, पर उसके पीछे का दर्द कोई कोई समझता कोई नहीं समझ पाता कि वो किस दौर से गुजरा, क्या क्या दर दर की ठोकरें खाई तब जाके पहुंचा। साहब उसने बड़ी मेहनत करी उस मुकाम पर पहुंचने के लिए। के सबने हंसता देखा मेरे घाव नहीं देखे, सबने हंसता देखा मेरे घाव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको मेरे पांव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको मेरे पांव नहीं देखे। ऐसे नहीं कोई पहुंच जाता उस मंदिर पे, बड़ी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। उस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, उस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा ही आते हैं, जब जरा गौर करना, हमारी असल जिंदगी पे आधारित है ये भजन। जब हमारे हाथ से सब कुछ हम गवा देते हैं, एक ऐसा भी दौर आता है हमारी जिंदगी में जब सब कुछ चला जाता है, ऐसा भी कहर आता है, तब कोई साथ नहीं देता, कोई रिश्तेदार कोई पड़ोसी कोई साथ नहीं आता। के अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, अपनों के सभी रिश्ते साहब मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा रिश्ते बिखरने लग गए मेरे। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, और जब शाख से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं, मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं, और जब कोई नहीं मेरे बाबा ही आते हैं, हो जब कोई नहीं आता मेरे बाबा ही आते हैं। बोलिए साईनाथ महाराज की, बोलिए सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आइए बड़ा ही सुंदर सा स्वरूप